2 वर्षों के बाद दुमका जिले के बाबा वासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला का आयोजन होने जा रहा है। मेले के सफल आयोजन के मद्देनजर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। वैश्विक महामारी के 2 वर्षों में रोजगार को लेकर लोगों ने मेला क्षेत्र में जहां तहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अस्थायी दुकान का निर्माण कर दिया है। श्रावणी मेले की अनुमति मिलने के बाद प्रशासन अवैध कब्जों को हटाने में जुट गई है। अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो के नेतृत्व में BDO, CO, थाना प्रभारी ने टीम बनाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। दरअसल सावन के पावन महीने में देश के कोने कोने से श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं, इसलिए मेला क्षेत्र में काफी भीड़ होती है। श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसको लेकर हर एक तैयारी की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के बाद आने जाने में सुविधा होगी, सड़कों पर चलना सुलभ हो जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बार बार हटाए जाने के बाद भी लोग फिर से यहाँ दुकान लगा दे रहे हैं, यह अंतिम कार्रवाई है। इसके बाद लोग नहीं माने तो प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए जो रास्ता वगैरह है उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए जो भी लोग मेला क्षेत्र में जो अतिक्रमण किए हुए हैं, आज हम लोग उसके अतिक्रमण को हम लोग खाली करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में अच्छा है जो धर्मी के थाना प्रभारी है, जो वासुकीनाथ है, उन लोगों के साथ अभियान चला के हम लोग वैसे तत्वों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो कि सड़क के किनारे सड़क को अतिक्रमण करते हुए अपना दुकान या मकान बना के रखते हैं। अमूमन देखा जाता है जो कि अतिक्रमण आप समाप्त करते हैं फिर अतिक्रमित हो जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज है? इस बार हम लोग वैसे तत्वों पर अगर इस तरह से फिर से पाया जाता है तो उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, जिसमें जो वैधानिक रूप से उस पर FIR की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। दुमका से न्यूज विंग के लिए विजय तिवारी की रिपोर्ट।